नमस्कार मेरे देशवासियों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज कैट 950L जो एक मॉडल है कैट का, वो केबिन का रिव्यू आज हम करेंगे दोस्तों। और केबिन के अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन कैट में है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैट का 950L मॉडल है और चलिए केबिन रिव्यू करते हैं दोस्तों। ये रहा सीट, और ये सीट काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी आरामदायक है। आप कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक कि आपको कैसे रखना है। इसे आगे पीछे होता है और अप डाउन के लिए। देखिए बैक का ये है दोस्तों। चलिए सीट में बैठते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू और बताते हैं। डोर जैसे ही खुलेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगा और बैक लाइट जल जाएगा, ताकि आप जब उतरे तो आपको रोशनी मिले नाइट में। चलिए इसे बंद करते हैं। देखिए बंद करने के बाद ऑटोमेटिक लाइट बुझ गया। तो ये रहा कैट। और देखिए दोस्तों, चाबी जब हम ऑन करेंगे तो थोड़ा देर के लिए ये जो वाटर सेपरेटर है, फ्यूल है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, उसके बाद फिर ये चालू होगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा देर वेट करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये फ्यूल टेम्परेचर है, ये वाटर टेम्परेचर दोस्तों, और ये आपका डीजल का जो बता रहा है मीटर, ये डीजल का बता रहा है। और ये है ट्रांसमिशन ऑयल का। अभी पार्किंग दोस्तों, जब भी आप गाड़ी बंद करेंगे ऑटोमेटिक पार्किंग लग जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिक पार्किंग लग जाता है। दो नंबर गियर में है, न्यूट्रल में है, वो बता रहा है। यहाँ किलोमीटर बताएगा, यहाँ बताएगा HM आवर्स मीटर। और इको मोड में है, अभी देख रहे हैं ये इको मोड में है, ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक जब भी ये गाड़ी बंद होता है तो ऑटोमेटिक पार्किंग लग जाता है, पार्किंग ब्रेक। दोस्तों पार्किंग ब्रेक छुड़ाने के लिए हमको इसे ऊपर के नीचे करना पड़ेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ये पार्किंग छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये गाड़ी बंद है तो फिर ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पार्किंग मोड छुड़ाते हैं। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गया और इसको करने से देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ छूट गया, अब भी हट गया वहां से। ये रहा लीवर स्टिक। या तो आप दोस्तों गियर लगाने के लिए इसको भी ले सकते हैं, या बैक में ये, या तो आप अगर और भी आसान से काम करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, ये फॉरवर्ड हो गया और ये बैक हुआ, देख सकते हैं गाड़ी आगे पीछे हो रहा है। और जब आप माल में, जब कार्गो में, जब बकेट घुसाएंगे तब ये वाला बटन आपको एक नंबर लगाने का काम आएगा दोस्तों। जब आप दो नंबर पे गियर को लगा के जब सेट कर चुके होंगे तो एक नंबर लगाने के लिए ये बटन आपको दबाने से ऑटोमेटिक एक नंबर लग जाएगा दोस्तों। यहां से भी आप बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ये आसान मोड दिया है, ये आसान तरीके से काम कर सकते हैं। और ये थोड़ा, ये तो जो नॉर्मली रहता है हमेशा वो है। और बाकी ये आपका हो गया पार्किंग का लाइट, जो चारों तरफ से लाइट जलेगा वो है। पार्किंग का हो गया हैंड ब्रेक, इसको बोला जाता है, या पार्किंग ब्रेक भी बोल सकते हैं। 12 वोल्ट का दे या चार्जिंग, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट का। और बाकी इधर वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों लाइट का जो फंक्शन है, दिखाते हैं आप लोग को। तो ये रहा, ये ट्रांसमिशन का है, ये सब बिलिंग कर रहा है। तो गाइज ये ऑटो
ट्रांसमिशन का ये स्विच है, बाकी ये ज़्यादातर काम नहीं आता है। ये ट्रांसमिशन लॉक है और बाकी ये ऊपर हमेशा ज़्यादातर काम आता है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये साइलेंट का है जो ऊपर में लगा हुआ है, और लाइट है, फ्रंट लाइट, बाइक लाइट, फोकस लाइट, सारा लाइट का यहाँ स्विच है। तो गाइस ये रहा स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग यहाँ पर अगर आपको ऐसे रखना है, अगर इसको अपना मुताबिक सेट करना है, तो यहाँ पर एक लॉक है, इसको आप उठाना पड़ता है, उसके बाद ये लॉक हो गया। आपको जैसे एडजस्ट करना है इसको लूज करिए, उसके बाद अपना एडजस्ट करके उसके बाद लॉक जो है यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो दोस्तों देखिए स्टीयरिंग ये लॉक हो गया, और ये अपने मुताबिक सेट करिए। देखिए वहाँ पर सिग्नल दिख रहा है, राइट एंड लेफ्ट देखिए। और गाइज ये फ्रंट, फॉरवर्ड और बीच में न्यूट्रल, ये फ्रंट हो गया और ये रिवर्स। उसके बाद ये रहा डिस्प्ले दोस्तों, ये स्क्रीन टच डिस्प्ले है, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा मशीन में तो यहाँ ऑटोमेटिक शो करेगा। और ये रहा कैमरा, बैक कैमरा, और ये है वेमेंट। देखिए दोस्तों ये वेमेंट है, और यहाँ पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं, जितना आपको टारगेट है डालना है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ओके कर देना है तो ये आपका टारगेट सेट हो जाएगा यहाँ पर। और ये फंक्शन है स्क्रीन टच, यहाँ कैमरा है, ऑटोमेटिक कैमरा कर दीजिए तो कंटिन्यू कैमरा रहेगा, और नहीं तो वेमेंट लोड करना है, कांटा है यहाँ बता रहा है, यहाँ आप उठाइएगा तो यहाँ शो करेगा और यहाँ काउंटिंग होते रहेगा। एक टारगेट भी सेट कर सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत है टारगेट सेट करने का तो टारगेट भी सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बैक कर लें, और क्या क्या फंक्शन है चलिए दिखाते हैं होम में आने के बाद। होम में देखिए फ्यूल का जो आपका स्टेटर दबाइएगा तो फुल स्टेटर में कितना फ्यूल खाएगा वो बताएगा, और घंटे पे कितना लीटर आवर्स खाएगा वो बताएगा। और ये रियल एक्सल वायल जो आगे के बैक हो गया, ये फ्रंट का हो गया, टेम्परेचर बताएगा कि कितना हीटिंग है, और ये वाटर टेम्परेचर कूलेंट का ये बताएगा, यहाँ शो करेगा सब। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ एसी का फंक्शन है, यहाँ फोर मोड दिया है फैन का, और ये ऐसे एसी है कूलिंग, और यहाँ आप नॉर्मल रख सकते हैं, हाई में भी रख सकते हैं। ऊपर में दिया है वाइपर का, ये वाइपर कंट्रोलर है, जैसे आगे का देखिए वाइपर है ये, और ये बैक का भी दिया है वाइपर, बैक का भी। तो गाइस ये रहा कैट का 950L केबिन रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।